भारत माता की भारत माता की तख्त बदल दो, दो। भारत माता की मंच पर राष्ट्रनायक भारत के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं मैं सबसे पहले स्वागत के लिए श्री अरुण साहु जी से श्री अरुण साहु जी से निवेदन करता हूं प्रदेश के अध्यक्ष अरुण जी सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी समस्त विधायक गण स्वागत करेंगे जोरदार जयघोष करें भारत माता के नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद भारत, भारत माता के भारत माता के भारत माता के मैं सम्मानीय प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष अरुण साहू जी से और सुश्री सरोज पांडे जी श्री प्रेम प्रकाश जी से और सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट देने का कष्ट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को स्मृति चिन्ह हाँ जी हाँ जोरदार जयघोष करेंगे भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ महतारी की कौशल्या माता की भारत माता की भाइयों बहनों मैं आगे के क्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए सम्मानी श्री अरुण साहु जी प्रदेश के अध्यक्ष से निवेदन है उद्बोधन भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अरे आओ नई साहिबो अरे आओ नई साहिबो अरे आओ नई साहिबो अरे आओ नई साहिबो आज के ये सभा में दुनिया के सबले लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन हो है, एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो मंच में विराजमान अमर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद आदरणीय सरोज पांडे जी अमर दुर्ग के सांसद पाटन के प्रत्याशी आदरणीय विजय बघेल जी राजनांदगांव के सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी मंच में विराजमान केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदास अठावले जी मंच में विराजमान पार्टी के जम्मो प्रत्याशी मन पार्टी के नेता मन अत्य बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो दीदी दाई बहनी संगवारी सियान मल्ला मैं पायलग ही कहा था जय जोहार कहा था आज हम सबके लिए सौभाग्य के विषय है कि ये इस्पात नगरी ये शिक्षा के हब हाँ, और ये मिनी भारत कहे जाने वाला ये दुर्गमा दुनिया के सबले लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन हो है। समय में हो है जब में परिवर्तन के तूफान चला थे परिवर्तन के हवा चला थे आज एक बड़े संख्या में आप सब आए हो ये बतावा थे कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है और लबरा के सरकार जाने वाला है ये लबरा सरकार जवैया है अरे ऐसे सरकार जो प्रदेश मा युवा मनला नशा के आगोश मा भेजे शराब के घोटाला करे प्रदेश ला नशा के गढ़ बना दे ऐसे सरकार ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रदेश में जुआ शराब सट्टा और नशा के कारोबार करके पैसा कमावे ऐसे सरकार ला ये छत्तीसगढ़ के जनता एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है ये आज छत्तीसगढ़ के जो मिजाज है वो ये बतावा थे आज जो कल नरेंद्र मोदी जी के मोदी गारंटी भारतीय जनता पार्टी जारी करे है आज दुनिया के हर समस्या के समाधान दुनिया के कोनो देश के आपस के विवाद और समाधान के गारंटी केवल दुनिया में एक है वो नेता के नाम है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नाम है और आज छत्तीसगढ़ के जनता का छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसान दीदी बहनी महतारी और संगवारी भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी लेके आए मोदी गारंटी मतलब छत्तीसगढ़ के खुशहाली और तरक्की के गारंटी आवाज आप आपको ये बात तय करना है कि छत्तीसगढ़ के जनता अब तैयार है नरेंद्र मोदी जी के साथ चले बर नरेंद्र मोदी जी के साथ चले बर अब ये छत्तीसगढ़ तैयार है ये छत्तीसगढ़ आज भारतीय जनता पार्टी के लहर चल पड़े है अतेक बड़े आपके उपस्थिति ये पता थे कि छत्तीसगढ़ में जब तीन तारीख के मतगणना हुई छत्तीसगढ़ मा कमल खिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनैया है ये तय हो गए संगवारी हो इकतीस सौ रुपया क्विंटल धान वोहू प्रति एकड़ प्रति एकड़ इक्कीस क्विंटल धान के खरीदी के गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी के गारंटी दो साल के पुराना बोनस किसान के जेब में सीधा पैसा डाले के काम दीदी महतारी मल्ला हर महीना एक हजार रुपया साल के बारह हजार रुपया ये नरेंद्र मोदी जी के गारंटी है पांच सौ रुपया मा दीदी बहनी मल्ला रसोई गैस के सिलेंडर मिलने वाला है आपके रसोई के बजट कम होने वाला है नौजवान संगवारी हो पीएससी के घोटाला करने वाला मन अब जेल जाए के तैयारी कर ले यूपीएससी की तरह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपना के एक लाख नौजवान मनला नौकरी दे के गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी के गारंटी है और यही पाए के आज आप सब जन दोनों हाथ उठा के ये संकल्प करो मोदी जी ला भरोसा दिलाओ कि तीन दिसंबर को कमल खिल ही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी बोले भारत माता की भारत माता की अरे ओ नहीं सही भो सही धन्यवाद जय जोहार जय छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन है सभा को संबोधित करेंगे एक बार जय घोष करेंगे भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको इस चुनावी अभियान में मार्गदर्शन मिलेगा मैं दुर्ग दुर्ग संभाग के सभी हमारे प्रत्याशियों की ओर से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से माननीय मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे आज कोई ज्यादा बात करने की जरूरत मुझको नहीं है क्योंकि जो हमने मांगा था जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के मन में था उस सारी बातों को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की धरती में पहली बार पधारे हैं ऐसी तालियां बजाइए कि दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए अरे भविष्य कभी जो हो नहीं सकता था वो असंभव को संभव करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वो नायक नरेंद्र मोदी जी जब हमारे बीच है एक बार फिर अभिनंदन करिए तालियों के साथ पूरी ताकत के साथ लगना चाहिए छत्तीसगढ़ के लोग जब छत्तीसगढ़ यह लोगों के लिए कुछ होता है तो जवाब भी वैसी देता है और किसान के मितान कौन तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं किसान के मितान कौन किसान के मितान कौन थोड़ा जोर से आवाज जाना चाहिए किसान के मितान कौन छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन में एक नई रोशनी लाने वाले आशा की उम्मीद की किरण जगाने वाले जिसकी कल्पना हम सब ने नहीं की थी आज वो धरती पे उतारने वाले ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक, एक बात पर ताली गूंजनी चाहिए एक एक बात का समर्थन आपसे चाहिए क्या छत्तीसगढ़ में संभव था 21 क्विंटल धान खरीदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी की स्वागत आपके तरफ से होना चाहिए ये 2500-2600 की बात करने वाला भूपेश बघेल सुन ले प्रधानमंत्री जी बैठे हैं गारंटी के साथ कोई ऐसी वैसी गारंटी नहीं है हिंदुस्तान के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की गारंटी है इकतीस सौ रुपया क्विंटल धान की खरीदी स्वागत होनी चाहिए तालियों के साथ गूंजना चाहिए पता चलना चाहिए कि मोदी जी का आगमन हुआ है इस इस्पात नगरी में इस ऊर्जा नगरी में गूंजना चाहिए जोर से नारे लगाते रहिए दो साल का बोनस पंद्रह सोलह और सोलह सत्रह का, कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था जन घोषणा पत्र में उसके सारे लबारी में एक लबारी यह भी है न पंद्रह सोलह का न सोलह सत्रह का बोनस दिया आज प्रधानमंत्री जी आए हैं दो साल का बोनस पच्चीस दिसंबर को मिल जाएगा 400 करोड़ आपके खाते में तालियों के साथ और और एक बात और सुन लीजिए किसान भाई दुर्ग जिले के किसान बहुत जागरूक हैं जिले से वातावरण बनता है छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी तो आज भूमिका तय हो जाएगी आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए <laughs> बोनस की एक एक किस्त में तरसाने वाला भूपेश बघेल एक एक साल इंतजार कराने वाला भूपेश बघेल सुन ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है एक किस्त में बोनस दिया जाएगा एक किस्त पूरा बोनस गारंटी लेने के लिए मोदी जी आज हमारे बीच खड़े हैं, हर महिला को विवाहित महिला को बारह हजार रूपया सालाना देने की बात महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने वाले पांच सौ रुपया में एलपीजी का कनेक्शन तेंदू पत्ता तोड़ने वालों के जीवन में बस्तर और सरगुजा के खुशहाली लाने वाली घोषणा करके प्रधानमंत्री जी आए हैं पचपन सौ रुपया प्रति मानक बोरा तेंदू पत्ता के तोड़ने वालों को मिलेगा चरण पादुका की योजना को जीवित किया जाएगा ये सारी योजना को मैं गिनाने की जरूरत नहीं समझता ना मुझे बोलना है ज्यादा मैं तो धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूँ मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं नए साल में इसमें से कितने लोग ईमानदारी से बताना अयोध्या में राम लला के दर्शन के लिए कौन कौन जाएगा दोनों हाथ उठा के <coughs> मोदी जी को बता दीजिए राम लला हम आएंगे और जनवरी में हम सब चलेंगे तालियों के साथ स्वागत करिए भाइयों बहनों हम सबके बीच में कैसे वीरव्रति दृढ़ निश्चय संकल्पवान राष्ट्र की आराधना में रत और ऐसे राष्ट्र प्रथम भावना को लेकर काम करने वाले अपना तन मन समय का एक एक क्षण इस राष्ट्र को समर्पित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे और जिसके लिए भूषण कवि ने कहा था इंद्रजीवी जम्भ पर बाण सुवंभ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है पौन बारिवाह पर संभव रतिनाह पर सहस्त्र पर, 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 पर जैसे मृग राज है तेज तम अंश पर कान्हा जिमिक अंश पर जो मलक्ष वंश पर शेर शिवराज है ऐसे शिवराज ऐसे जानता राजा जनता का राजा जो अपने आप को जनता का सेवक कहता है यह हिंदुस्तान का सौभाग्य है ऐसे राष्ट्र नायक हम सब का नेतृत्व करने वाले विश्व बंधुत्व की भावना भरने वाले मानवता को दिशा देने वाले ऐसे प्रधानमंत्री आज इस मंच पर है जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत माता की भारत माता की ये उत्साह ये उमंग मैं दुर्ग में कई बार आया हूं लेकिन ऐसा माहौल आज पहली बार देख रहा हूं आपको देखकर लग रहा है जैसे दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है इतनी विशाल संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा आवत है भाजपा आवत है अब की बार अब की बार आपकी बार मेरे परिवारजनों मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें महिलाएं यहां के युवा यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी लेकिन भाइयों बहनों भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरिया भरना कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरिया बांटना आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया आप यहाँ सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है तीस टका कक्का आपका काम पक्का तीस टका कक्का आपका काम पक्का कांग्रेस की हर घोषणा में तीस टक्के का खेल पक्का है इसलिए तीस टका सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है औ नई सही वो औ सही वो अव नई सही सहीबो बदल के रही वो साथियों छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है जुए का खेल खेलने वालों का है और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उनको लूट करके जमा किया हुआ है लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं मालूम है किस तक जा रहे कहां तक पहुंच रहे छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है न तक पहुंच रहे जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे यहां की कांग्रेस पार्टी ने यहां की सरकार ने यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए कुछ तो होगा ना आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं मैदान में उतर आए और मैंने तो सुना है कि नेता यहाँ के दबी जबान में हमारे यहाँ मैसेज पहुंचा रहे हैं हम भी देख लेंगे हम भी तुम्हारे यहाँ कहीं पैसे रखवा देकर के पुलिस भेज देंगे ये धमकियां किसको दे रहे हो ये किसको डरा रहे हो ये जनता है सब कुछ जानती है मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं हर दिन मैं दो ढाई किलो गालियां खाता हूं लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसिया देश के सुरक्षा बल उनको भी गाली देने लगे हैं इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा ये मोदी है गालियों से डरता नहीं है भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है उस पर कार्रवाई होके रहेगी उसे पाए पाए का हिसाब लिया जाएगा मेरे परिवारजनों छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला याद है ना आपको याद है कि भूल गए हो पांच हजार करोड़ रुपए का चावल घोटाला तेरह सौ करोड़ रुपए का गोठान घोटाला सात सौ करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला पांच सौ करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना के सेस को का घोटाला छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा साथियों कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया है हमारे देश का गरीब गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर सामाजिक न्याय की थोथी बातें सुन सुनकर थक चुका था और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे हर गरीब सोचता था कि कम से कम मेरा बच्चा तो गरीब नहीं रहेगा लेकिन कांग्रेस के झूठे वायदों ने हमेशा उसे और उसके बच्चों को गरीब बना करके ही रखा इसलिए भारत का गरीब आत्मविश्वास खो रहा था निराशा के ढेर में दबा जा रहा था कांग्रेस का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, और सिर्फ अपने परिवार के लिए और धन्ना सेठों के लिए है गरीब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ, और सिर्फ एक वोट है इसलिए कांग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती उसे गरीब का दुख दर्द कभी समझ नहीं आता और इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही वो गरीबों के हक का पैसा लूटकर खाती रही अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही मेरे भाई और बहनों दो में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया हमने अपने गरीब भाई बहनों में ये विश्वास पैदा किया कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है वो जो गरीबी में जिंदगी जिए हैं उनके बच्चों के नसीब में वो गरीबी नहीं रहनी चाहिए हमने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई कि हर गरीब अपनी गरीबी का उस गरीबी को खात्मा करने का उस गरीबी को पराजित करने का सबसे बड़ा सिपाही बनकर के मोदी का साथी बन गया भाजपा सरकार ने बहुत धैर्य से काम किया बहुत ईमानदारी से काम किया मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है वो जाति है गरीब जो गरीब है ये मोदी उसका सेवक है मोदी उसका भाई है मोदी उसका बेटा है भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई उससे आज देश में गरीबी कम हो रही है हमारे सेवा काल में सिर्फ पांच साल में ही साढ़े तेरह करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो आज मोदी को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे हैं इसलिए गरीबों की ये एकजुटता आज गरीब एकजुट हो रहा है गरीब नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है और गरीब तय करके बैठा है कि अपने संतानों के पास गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और इसलिए गरीबी की लड़ाई में गरीबी को परास्त करने के लिए आज गरीब एकजुट हो रहा है गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है लेकिन ये जो गरीबों की एकता है ना गरीब ने जब अपनी एक ही जाति मान ली है गरीब तो ये राजनीतिक दलों के पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाति अगर इकट्ठी हो गई अगर एक ताकत बन गई तो आज तक झूठ चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी ऐसे राजनीतिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खोल खेले हैं, अब गरीब को भी बांटना गरीब की एकता को तोड़ना गरीब के सपनों को विकचित कर देना गरीब को ही आपस में लड़ा लेना एक नया खेल शुरू किया है इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं नई नई भाषाएं बोल रहे हैं जातिवाद का जहर वहां गोल रहे हैं इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनीति दलों से आगाह कर रहा हूं हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है हम गरीबों की एकता को मजबूत करना है हमें मिलकर गरीबी को परास्त करना है मेरे परिवारजनों आत्मविश्वास से भरे हुए गरीब से स्वाभिमान से भरे हुए गरीब से कांग्रेस नफरत करती है कांग्रेस हमेशा चाहती है कि गरीब हाथ फैलाए उसके सामने खड़ा रहे इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहती है इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार गरीब के लिए जो भी काम शुरू करती है यहाँ की कांग्रेस सरकार उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देती है आप देखिए पूरे देश में गरीबों के लिए पीएम आवास योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं इन घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पिछले पांच साल से थान के बैठी है कि मोदी को गरीबों के घर गर वो नहीं बनाने देंगी मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा जैसे आपने पिछले पांच साल से कांग्रेस का अन्याय झेला है कांग्रेस के भ्रष्टाचार को झेला है कांग्रेस के भाई भतीजावाद को झेला है अब मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों मुझ पे भरोसा करो अब सिर्फ तीस दिन बाकी है सिर्फ तीस दिन बाकी है फिर आपको यह मुसीबत से मुक्ति मिलनी ही मिलनी है तीन दिसंबर को नतीजे आएंगे और भाजपा की सरकार बननी तय हो जाएगी मैं आपको गारंटी देता हूं मैं आपको गारंटी देता हूं भाजपा सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे गरीब को शौचालय देने का काम हो हमारी गरीब को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम हो हर घर नल नल से जल पहुंचाने का काम हो भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे हर काम में तेजी ला जाएगी और ये छत्तीसगढ़ की हमारी बहनों बेटियों को मोदी की गारंटी है मेरे परिवारजनों मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं गरीबी की चिंता गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूँ दोस्तों ये मेरी चिंता है जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे कोई भी मां खुद पेट बांध कर सो सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलकता हुआ नहीं देख सकती कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा कोई भी काम करना पड़ेगा करेगा लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था पूरी दुनिया संकट में थी तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस में पूरी हो रही है लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है गरीबों के बीच से निकल करके आया है ये आपका बेटा आपके भाई उसने एक और निश्चय कर लिया है मेरे गरीब भाइयों बहनों मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं मैंने निश्चय कर लिया है देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले पांच साल के लिए और बढ़ाएगी छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों आपका ये प्यार या आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देते है पवित्र निश्चय करने की ताकत देती है और 80 करोड़ गरीबे उनकी थाली में भोजन पहुंचना कितना बड़ा पुण्य का काम कितना बड़ा सेवा का काम आप मेरे आपके आशीर्वाद से हो रहा है और मेरे भाइयों बहनों ये चुनावी सभा नहीं ये वादा नहीं है ये मोदी की गारंटी है और मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को एक और बात कहूंगा यहाँ के अनेक साथी काम के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और काम से बाहर जाते हैं भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा और इसलिए ही मोदी ने आपको वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी है पहले कार्ड होता था ना एक दुकान से दूसरी दुकान में भी जाए तो घुसने नहीं देता था वो कहता था इधर का नहीं है उधर जाओ वो कहता था उधर तो खाली हो गया तो बोले यहां में नहीं मिल सकता ये जमाना था ये मोदी का जमाना देखिए आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाइए आपका छत्तीसगढ़ का कार्ड दिखाएंगे ना मोदी का गारंटी कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको भूखा नहीं रहने देगा मेरे भाइयों बहनों भाजपा सरकार आपके इलाज की भी चिंता कर रही है अगर गरीब गरीबी से बाहर निकल चुका है आ रहा है और घर में एक बीमारी आ जाए तो फिर बेचारा पांच साल साथ पीछे चला जाता है फिर गरीबी के चक्कर में फंस जाता है मैं मेरे गरीब को वापिस फिर से गरीबी में लौटने नहीं देना चाहता और इसलिए मैंने तय किया कि बीमारी का खर्चा उसका बेटा उठाएगा मोदी उठाएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा हमने दी है पांच लाख रुपए तक एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा भाई जो यहाँ का मेरा कोई भाई बहन सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं अगर किसी काम से वो दिल्ली गया है कोलकाता गया है उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया है अयोध्या में प्रभु राम जी के दर्शन करने गया है और कहीं कुछ हो गया बीमारी हो गई तो ये मोदी ने ऐसी गारंटी दी है कि वहां का डॉक्टर भी बिना पैसे आपका इलाज करेगा और मोदी उसकी चिंता करेगा लेकिन मेरे साथियों गरीब के इलाज को लेकर कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता हूं हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जन औषधि केंद्र खोला है ये जन औषधि केंद्र में जो दवाई सौ रुपये में मिलती है ना वो दस रुपये में मिल जाती है जो दवाई सौ रुपये में मिलती है वो दवाई किस जगह पे बीस में मिल जाती है इतना गरीब और मध्यम वर्ग की मदद की लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार है ऐसी जन विरोधी सरकार है ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि उसने छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों को ही ताले लगा दिए सौ से ज्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र यहां के कांग्रेस ने बंद करवा दिए गरीबों से इतनी नफरत करती है कांग्रेस मेरे परिवारजनों मोदी जो ये गारंटी दे रहा है ना जो गारंटी पूरी कर रहा है उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे दलित हमारे ओबीसी हमारे आदिवासी हमारे मेहनत कस मजदूर हमारे समाज के वंचित लोग हैं ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया ये काम आपके बेटे ने जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया न उस काम को भी कर दिया मेडिकल कॉलेजों में जो कोटा मिलता है उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया ये काम भी भाजपा ने ही किया संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है और कांग्रेस क्या कर रही है कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है चलो भाई आपको पेट में दर्द होता कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया हम मोदी को गालियां दे रहे हैं चलो मोदी गरीब का बेटा है आपको तो हक है गालियां देने का आपके मन में मोदी के लिए नफरत है उसकी जाति के लिए नफरत है गालियां देते जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए परमात्मा और मेरे देश की माता ये बहते मोदी की रक्षा करेगी लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए हर ओबीसी को यह बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है कांग्रेस के एक नेता मैं नाम नहीं लेना चाहता मोदी को गोलियां गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा मेरे परिवारजनों छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल होने जा रहे हैं अब अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले साल छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य निर्धारित करेंगे भाजपा के पास छत्तीसगढ़ को देश के टॉप टेन समृद्ध राज्यों में लाने का एक ठोस रोड मैप है कांग्रेस ने दशकों तक केंद्र में सरकार चलाई लेकिन छत्तीसगढ़ में कारखानों का विस्तार नहीं किया आपने मोदी को अवसर दिया तो बिलाई के कारखाने का विस्तार और आधुनिकरण हुआ बस्तर में भी दुनिया के आधुनिकतम स्टील कारखानों में से एक लोकार्पण हमने करके दिखाया कारखानों के लिए जरूरी रेल रोड इसकी सुविधा बीते नौ वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व विस्तार किया है हमने दिल्ली राजहरा दिल्ली राजहरा दिल्ली राजहरा से ताड़ो की तक की रेल लाइन का काम पूरा किया जल्दी ये लाइन रावगाड़ तक भी पूरी की जाएगी ये पूरी योजना दिल्ली राजहरा नगर को नया जीवन मिलेगा भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए 20 गुना ज्यादा बजट मिला है भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के काम के लिए भी 15 गुना ज्यादा बजट मिलता है रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर हो रायपुर धनबाग आर्थिक कॉरिडोर हो इससे यहाँ के औद्योगिक विकास में नई तेजी आने वाली है साथियों आज पूरे देश में किसानों और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है आप जो भी दान उगाते हैं उसका दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए हैं जबकि कांग्रेस यहां सिर्फ झूठ बोलती है अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने दान किसानों से जो वादा किया है उसे सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा आदिवासी क्षेत्रों में वन उपजों से समृद्धि लाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार बंधन योजना भी चला रही है तेंदुपत्ता सहित हर वन उपज के अधिक से अधिक दाम आपको मिले ये भी भाजपा का आपसे वादा है मेरे परिवारजनों छत्तीसगढ़ व एक ईमानदार और कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा सरकार की जरूरत है जहां हिंसा और अपराध चरम पर होते हैं वहां विकास नहीं होता कांग्रेस से यहां के कानून व्यवस्था भी संभल नहीं पा रही आखिर मलकत सिंह का क्या गुना था आखिर ईश्वर साहू जी के बेटे का क्या गुना था हम ऐसी अंधेर गर्दी से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालना है आप देखिए कितना दर्द है चेहरे पर हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ये हमारी गारंटी है मेरे परिवारजनों छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमल के फूल पर आपका जो वोट पड़ेगा ना वो मोदी को भी मजबूत करेगा भाजपा के हर उम्मीदवार को हर बूथ पर मिली बढ़त को उसे मुझे ताकत देगी और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है घर घर जाना है हर पोलिंग बूथ पे जाना है मोदी का संदेश घर घर पहुंचाना है भाजपा ने बनाया है भाजपा ही संवारेगी अच्छा मेरा एक काम करोगे जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करोगे एकदम पीछे जो तंबू के भी बाहर खड़े हैं वो भी बताएं मेरा एक काम करोगे करोगे पक्का करोगे देखिए ये पॉलिटिकल काम मैं नहीं बताऊंगा आपको मेरा अपना निजी काम है करोगे पक्का करोगे आप घर घर जाइए और घर में जाकर के जो बुजुर्ग हो बड़े लोग हो उनको कहिए कि अपने मोदी जी दुर्ग आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है उन्होंने आपको जोहार कहा है करेंगे मेरा नमस्कार घर घर पहुंचाएंगे मेरा जोहार पहुंचाएंगे माता yes. भारत माता की yes. भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद